जिन की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी, ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची, तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। वो तो चाहे किसी धर्म की कोई भी शक्ति होगी, माता है, शिव है, गुरुद्वारे का है, मंदिर का है, मस्जिद का है, या किसी कुलदेवी का है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चूक जरूर हो रही होती है जिसकी वजह से वो कृपा रुक जाती है। फिर क्या करता है आदमी, यहाँ छोड़ दो, चलो दूसरे के पास चलो, दूसरी शक्ति को छोड़ो, तीसरे के पास चलो, यहाँ काम नहीं बना। वास्तव में वो कहीं भी चला जाए तो हर जगह है, क्योंकि वो एक है, हर जगह रहती है विराजमान, तो वो आदमी के काम नहीं बनते और फिर वो तंग आके कहते हैं कि भगवान होता ही नहीं है। लेकिन जब अब तो काफी साल हो गए हैं, आप देख रहे हो, टीवी में भी देख रहे हो, बहुत से लोग, लाखों लोग हैं जो कभी हमारे पास आए भी नहीं होंगे या समागम भी नहीं अटेंड किया होगा, लेकिन फिर भी उनके काम बने। तो हमने और किया क्या, सिर्फ उस शक्ति को शक्ति मानो इसका एहसास जरूर करा दिया, क्योंकि जो नहीं भी मानते थे, नास्तिक थे, जो कुछ आप देखते हैं तो वो आपके सामने जो जो आता है, चाहे वो खाने की चीज है, चाहे पहनने की है, चाहे कुछ और है, चाहे मंदिर में जाके गुल्लक में डालने का है, तो वो प्रूव करना नहीं है, वो उनकी कृपा का रूप है। तो वो जब उन्होंने ठीक करना शुरू किया तो वो कृपा आनी शुरू हो गई। वो कोई उपाय नहीं है उन शक्तियों की कृपा की, जो हमारा भक्त है तो उसके सारे काम बने। जहां जहां गलती हो रही है तो वो गलती को पॉइंट आउट किया जाता है, कारण है। ये चाहे समोसे हैं, चाहे वो बच्चों के लिए चॉकलेट है, चाहे रोटियां हैं या डोसा है या कुछ और है, वो जब आप अपनी मनपसंद चीज खुद खाते हैं या गरीबों में बांट देते हैं तो उससे भी एक कृपा आती है। लेकिन क्या है, ये जितना एक छोटे से छोटे को आप देख लीजिएगा, चाहे वो चींटी है, चाहे पक्षी है, चाहे जानवर है, तो भगवान ने कितनी योनियां बनाई हैं, उनमें से निकल के जाना पड़ता है और उनकी कृपा होती है। और ये जब उन्होंने इंसान बनाया तो साथ में बहुत कुछ उसको कर्म के लिए छोड़ दिया, वो कृपा जरूर करते हैं, लेकिन बहुत कुछ उस आदमी के हाथ में है कि अपने लिए वो क्या कर रहा है। जो बो रहा है वही उसको वापस आ रहा है, जो कर रहा है वही रिफ्लेक्ट करके, ये नहीं कि मरने के बाद, वो तो बाद का हिसाब है, पहले तो यहीं पर चुकाना पड़ता है। इसीलिए आदमी कभी कभी जो भटकता है कि ये काम तो गलत कर रहा है लेकिन फिर भी तरक्की कर रहा है, लेकिन वो बैंक बैलेंस की तरह होता है, जब तक बैंक में बैलेंस है तब तक वो चलता जाएगा, गलत आदमी भी लगेगा कि ये कमा रहा है ये खा रहा है, लेकिन जब उसका खाता नील हो जाएगा तब उसको वो शक्तियां फिर उल्टा टांगती हैं कि अब हिसाब दो कि क्या 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 कर्म किया। उस कृपा में जब रहते हैं आदमी, समय के अनुसार नहीं बदलता है, एक समान चलता जाता है, शक्तियां भी देख रही होती हैं, भी हमारा भक्त है और अपनी तरफ से अनजाने की गलतियां तो वो साफ करते रहते हैं, लेकिन अगर जानबूझ के होती है तब वो कृपा रुकती है। तो ऐसे लोग हर युग में हुए हैं, पर सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, तो वो आज नहीं, हमेशा शुरू से लेकर हर युग में होता रहा है, ऐसे लोग हुए हैं। लेकिन वो शक्तियां इन सब से बहुत ऊपर होती हैं, उनका नाता भक्तों से होता है, और उस कृपा को ना आज तक कोई रोक सका है ना कभी रोक सकेगा, वो इसी तरह कृपा जो है अपने भक्तों पर बरसाती रहेंगी। तो जो जो चीजें आप महसूस करते हो, आपको जो बताया गया है वो आप फॉलो करते जाओगे तो कोई काम ऐसा है ही नहीं, वो कोई चमत्कार नहीं, वो उनकी कृपा का रूप है। और यहां कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये तो एक खेल उनका चल रहा है, जब तक चल रहा है वो चला रहे हैं, तो वो शक्तियां क्या देख रही हैं, जैसा जैसा कोई कर रहा है वैसा वैसा उसको वापस जा रहा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे भक्त जो है ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि वो कृपा रुके, और जब वो कृपा आती है तो वो सारी चीजें फिर काम भी बनते हैं और हर इच्छा भी पूरी होती है, तो वो तो कोई कमी छोड़ते ही नहीं। तो ये इसीलिए उनको शक्ति माना जाता है। तो चाहे किसी धर्म की भी है, उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो सब कुछ दे सकें, लेकिन जहां कोई कमी आ जाती है या भटकन हो जाती है तब वो रुकता है। तो जब आप उस राह पर चलते जाइएगा तो आपके काम भी बनते जाएंगे और हमारा आशीर्वाद भी रहेगा। जहां भी आप रहिएगा तो ये महसूस कीजिएगा कि बाबा का कृपा का हाथ है और वो हर जगह कृपा बरसती रहेगी। Thank you.
बाबा जी प्रणाम। कहाँ से आप आए? भाजी मैं ये ना नागपुर से आया हूँ। क्या पूछना चाहते हो अपने बारे में? बाबा जी एक चीज पूछना है कि मैं बहुत जल्दी गर्म हो जाता हूँ, दिमाग गर्म हो जाता है। ये बताओ शिरडी गए? हाँ गया हूँ। विभूति लाए? हाँ लाया हूँ। किस नियम से लेते हो उसको? सर मैं रोज लेता हूँ। खाते हो? हाँ खाता हूँ। फिर भी ठीक नहीं हो रहा? नहीं। अब ये बताओ कि ये बच्चे के पास कोई साइकिल चलाने वाली बच्चों की जो होती है? हाँ है, 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 है। ये चलाती है या रोकते इसको, क्या करते हो? उसका जो मन होता है ये कर चलाता है उसको। ठीक ठाक है वो? नहीं साइकिल तो नया साइकिल है, एकदम नया साइकिल है। लेने जब गए थे इसको साथ लेके गए थे क्या? हाँ उसको लेके गए थे साथ में। कोई और भी था वहां पर इसने कोई पसंद किया हो? बाबा जी जो सबसे अच्छा था हम उसके लिए वो लाए। फिर भी क्यों कृपा रुक रही है, क्या करते हो? दिमाग पर जोर देके देखो कि मैं बाबा जी वो साइकिल जो है घर के बाहर रहता है। हाँ और बच्चा रोज नहीं चलाता उसको, जब उसको मन होता है तो कभी कभी चलाता है। उससे तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ कुछ बोलते तो नहीं हो? नहीं ऐसा कुछ बोलता नहीं हूँ। वैसे बार बार बोलने का कुछ आ रहा है, इसको डांटते हो क्या करते हो? हाँ उसको कभी कभी डांटता होता हूँ। कभी कभी या ज्यादा? ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा भी हो सकता है बस इसीलिए कृपा नहीं आ रही है, बोलने का बार बार आ रहा है। हाँ। फिर चाहे तुम साइकिल ला के दोगे या कुछ और, जब तक ये बोलने वाला ज्यादा कंट्रोल नहीं करोगे तब तक कृपा रुकती है। ठीक है तो फिर तुम विभूति भी लोगे ना, तभी कृपा आएगी जब इसके साथ ठीक ढंग से करोगे। ठीक है बाबा जी कर लूंगा। ठीक ठीक। और एक चीज और, ये पर्स क्यों आ रहा है भाई? लेडीज पर्स? वो भी लेडीज पर्स? कब ला के दिए इनको? मिसेस को तो मैं दिवाली में ला के दिया हूँ। आगे आ जाओ आप, थोड़ा सा गड़बड़ बोलते हैं। हाँ जी एक साल हो गया, वो कलकत्ता से ला के दिए थे। अब सबके सामने पोल खुल गई ना, सच बोलते तो ठीक रहता। देखो ये बताओ कि वहां पर दक्षिणेश्वर काली गए? हाँ गया हूँ। हाँ चलो, और जेवरों की तरफ भी ध्यान जा रहा है? हाँ। वो कब बना के दिए? नहीं मैं कभी दिया नहीं हूँ। कभी नहीं दिया? नहीं, नहीं, नहीं। और मोबाइल की तरफ भी ध्यान जा रहा है? मोबाइल दिया हूँ। वो ऐसे ऐसे कर रही हैं आप, ऐसे ऐसे कर रहे हो क्या? जब दोनों ऐसे ऐसे करोगे ना तब कृपा ज्यादा आएगी, जब बैठ जाओ। ठीक है। नहीं बाबा जी अभी नौकरी छोड़ के वो बिजनेस में जा रहे हैं, थोड़ा आप कृपा कीजिए बाबा जी कुछ बोलिए। बस तुम्हें लाके देते रहेंगे तो इनका काम भी चलता रहेगा। प्रणाम बाबा जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। भाई कहाँ से आप आए? जी मैं पुणे से आया हूँ। क्या पूछना चाहते हो? बाबा जी किसी भी चीज में सक्सेस नहीं मिलती है। क्या काम करते हो? मैं एग्जीक्यूटिव हूँ टूर्स एंड ट्रेवल्स में। आप गोवा आए हो? जी। ये फेरी में घूमे आप जो यहाँ से चलती हैं? नहीं मैं जीवन में पहली बार गोवा आया हूँ जी। कुछ सोचा था इस बार घूमेंगे या नहीं घूमेंगे? ऐसा तो कब, अब टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है तो फिर ये तो आता ही रहता है दिमाग में कि घूमने जाना है कहीं, तो लेकिन जाते कहीं नहीं है। जाना नहीं हो पाता है जी, दूसरों को घुमाते रहते हैं। जिस दिन खुद भी घूम लोगे ना तब तुम्हारा टूर्स एंड ट्रेवल्स भी चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं, एक आध बार साल में जो है अपना रखो। और ये कंस्ट्रक्शन कहाँ सामने आई तुम्हारे? जी हाँ वो घर के पास ही में होता है। घर के पास में होता है? हाँ अभी तो खैर बंद हो गया है वो, पहले था घर के पास ही में एकदम। सोच के आई थी उस समय? बाबा जी वो हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कंस्ट्रक्शन आए दिन होते रहते हैं, तो बड़ा ख़राब सा लगता था कि हर दिन ठोका पीटी, हर दिन कुछ न कुछ आवाज़ें आना आते रहना, तो बड़ा बुरा लगता था। अब ये बताओ कि वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनका घर बन रहा है, तुमको बुरा लग रहा है, और जब तुम्हारी कंस्ट्रक्शन होनी होगी ना तब फिर वो रुक जाएगी। अब बुरा लगाना जो है वो छोड़ दो, तो तुम्हारे लिए भी ठीक रहेगा और उनका भी होता रहेगा। जब बाबा आपको कोट कोट प्रणाम प्रभु। कहाँ से आप आए? बाबा हम इलाहाबाद से आए हैं। क्या पूछना चाहते हैं अपने बाबा? हम बहुत परेशान रहते हैं, हमारे दोनों बच्चे हैं पढ़ने बहुत कमजोर हैं, मतलब सुनते नहीं कोई बात, और हमें चाहते हैं कि हमारे पति जो है बनारस ट्रांसफर के इलाहाबाद में शिफ्ट हो जाएं, घर में सुख शांति हो जाए प्रभु।
बहुत परेशान रहते बच्चों के लिए करके। ये बताओ तुलसी जी कहाँ है? तुलसी जी बाबा हम ऊपर लगाए हुए हैं गमले में। उनको पूजा करते हो उनकी? बाबा बस 15 दिन जल चढ़ाते हैं उनको। अब ऐसा है कि 15 दिन जी की जगह ना आप उनको जल 2-4 दिन में चढ़ा दिया करो, और उनकी रखना नहीं है सिर्फ, उनकी पूजा करो, चाहे महीने में 15 दिन में अगरबत्ती कर दो, रोज नहीं कर सकते जी बाबा, क्योंकि वो कृपा रुकी हुई है, आनी शुरू हो जाएगी, फिर काम बनने शुरू हो जाएगा। आपके चरण कोटि कोटि प्रणाम बाबा। और एक सेकंड रुक जाइए, ये पीपल का पेड़ क्यों आ रहा है भाई? जी पीपल के पेड़ बहुत पहले दिया जलाते थे, जब से आपसे जुड़े हुए हैं तब से छोड़ दिए, क्योंकि उससे ही आपकी कृपा रुकी हुई थी। अब जाके किसी भी मंदिर में पीपल हो तो आप हाथ जोड़ देना जी और जय पीपल देवता 2 बार बोल देना, जाओ वो भी ठीक हो जाएगा जी बाबा। एक मिनट भैया, आपका तो बार बार आता जा रहा है, ये घोड़े की नाल क्यों आ रही है? घोड़े के नाल बाबा मैंने बहुत पहले सोचा था लगाने के लिए, लेकिन जब से आपसे जुड़ गए हैं बाबा तब से हमने सब चीज छोड़ दिया है, कभी ये सब चीज नहीं रखा। बस ऐसी सोच भी नहीं लानी है, नहीं तो घोड़े दौड़ने वैसे ही बंद हो जाएंगे। जाओ बैठ जाओ। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं, और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji, या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। निर्मल दरबार की जय। मैं सर 2012 से जुटा हूँ, तब से पहले 1-2 लाख रुपए के लिए तरस रहा था, लेकिन अभी तक मैं करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी किया। निर्मल बाबा कृपा करिए, हमारा लड़का गया है नौकरी के लिए, उसका नौकरी में हो जाए और मेरे पूरे परिवार को सुखी रखें, धन्यवाद। जय निर्मल बाबा, कोटि कोटि प्रणाम। मैं गोवा से हूँ, आपने यहाँ पर समागम रख कर हम पर बहुत बड़ी दया की है। हमने बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, लेकिन आज आपने ये जो हमें मौका दिया है उसके लिए बहुत कोटि कोटि प्रणाम आपके लिए। हमारी जीवन में मेरे पति और मेरे दोनों के जो संघर्ष चल रहे हैं वो खत्म कर दो, बहुत सारे संघर्ष चल रहे थे, अभी आपकी कृपा से थोड़े थोड़े कम हुए हैं, और भी मेरे पति के परिवार से मुझे परेशानियां हो रही है उनसे वो कम कर दो, और मेरे नौकरी में मेरे पति के धंधे में व्यवसाय में कृपा करो। मेरा लड़का जो है पढ़ रहा है इंजीनियरिंग, उसको यश दो, सफलता दो, और कृपा करो मेरे भाई बहन उनका कृपा करो, उनके बच्चों पर कृपा करो। मेरी बहन की बेटी उसका दाम्पत्य जीवन जो है वो बिगड़ रहा है, वो जरा संभाल। निर्मल बाबा की जय। ये मेरा पहला समागम है, मध्य प्रदेश बालाघाट से आया हूँ। बाबा जो भी मेरे कर्ज वगैरह हैं उसमें सफलता दो, आशीर्वाद बना रखो, आपकी कृपा बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मल बाबा मेरे भाई बाल बच्चे सबको सुखी सुखी, आपका कृपा बना रहे, निर्मल बाबा की जय। बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। मैं नागपुर से आया हूँ, मेरे परिवार पे और मेरे धंधे पे बाबा और मेरे बाल बच्चों पे कृपा बनाए रखना बाबा। मेरे घर बनाने की इच्छा है बाबा, आप उसको पूरा कीजिए बाबा। मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से आया हूँ, मेरे बच्चे के ऊपर घर वाले के ऊपर कृपा बनाए रखना बाबूजी। जय निर्मल बाबा की जय। निर्मल बाबा की जय। बाबा मैं पटना से आया हूँ अपनी पत्नी के साथ, यूं तो बहुत सारे अनुभव हुए हैं, लेकिन जो लेटेस्ट अनुभव है मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ सर, इसी समागम के बारे में।
मैं बहुत दिनों से चारों तरफ अपनी सर्विस में घूमता रहा, लेकिन कहा कि गोवा मैं कभी नहीं आया हूँ। जिस दिन मैंने सोचा कि बाबा मैं गोवा कभी नहीं आया हूँ, उसी दिन टीवी पे आपका देखा, फ्लैश हुआ कि गोवा में फर्स्ट समागम हो रहा है, और मैंने टिकट कटा लिया और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे बच्चों पे, मेरे सारे परिवार पे, मेरे समस्त परिवारजनों पे कृपा कीजिएगा, और स्वस्थ और सुलभ जीवन की कामना करता हूँ। निर्मल दरबार की जय। बाबा मैं वेस्ट बंगाल कूचबिहार से आया हूँ, मेरा नाम रविंद्र कुमार गुप्ता है। 2011 से मैं आपके दरबार से जुड़ा हूँ। बाबा बिजनेस तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी लड़की सेंट जेवियर कॉलेज से ग्रेजुएशन करके कंपटीशन की तैयारी कर रही है। बाबा उसके ऊपर कृपा करें जिससे उसकी नौकरी हो जाए, और मेरा लड़का बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, बाबा उसके ऊपर कृपा करें। वो जो है कभी कभी भटक जाता है इधर उधर, बाबा मेरे और मेरे परिवार के ऊपर, मेरे रिश्तेदार के ऊपर बाबा कृपा करें। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मैं बनारस बेंगलोर में रहता हूँ, बनारस से आया हूँ। बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी हम जब से आपसे जुड़े हैं तब से हम बहुत खुशी और बहुत सुख शांति से हैं। हम बहुत बहुत परेशानी में रहते थे बाबा जी। बाबा जी आपके चरणों में हमारे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, हमारे खानदान की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। निर्मल बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मेरा बेटा बहुत तकलीफ देता है, वो लास्ट ईयर 12th को फेल हो गया बाबा जी। उसको पढ़ाई में ध्यान दीजिए बाबा जी, उसका एजुकेशन नासिक इंग्लिश औरंगाबाद में ही होना बाबा जी। वो बहुत बिगड़ गया है बाबा जी, बहुत जिद्दी है बाबा जी, उसकी पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है बाबा जी। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप पे कृपा करें। मेरी मम्मी बहुत तकलीफ में है बाबा जी। मेरे बेटे को सत सत विवेक बुद्धि दो बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम। सत सत प्रणाम निर्मल बाबा जी। मैं इशारे हरियाणा से हूँ, मेरे ऊपर आपकी बहुत ही अथाह कृपा रही है, आगे भी मेरे परिवार पर, मेरे ऊपर सदा इसी तरह आपकी लगातार कृपा बनी रहे। बहुत बहुत प्रणाम बाबा। जय निर्मल बाबा, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा बेटा बहुत बहुत नुकसान हुआ है, मेरे बेटे को कृपा करो बाबा। माँ सर्व कुटुंब तुमचा आशीर्वाद पाहिजे बाबा। नहीं निर्मल बाबा, कोटी कोटी प्रणाम बाबा। निर्मल दरबार की जय। बाबा जी मैं हेमंत शर्मा जोधपुर राजस्थान से। बाबा जी मेरी तीन विषय बहुत जरूरी है, उसको पूरी करनी है। पहला मेरा बिजनेस स्टार्ट करना है, दूसरा मुझे मकान बनाना है, तीसरा मेरे बच्चे का बच्चा है। ये बाबा बहुत 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 समस्या है, इन समस्याओं को दूर करें। बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। जय निर्मल बाबा। शक्तियों की अपार कृपा सब पर जा रही है। जय कृष्ण। हमारा आशीर्वाद सबके लिए है। डाक, कुरियर और इंक्वायरी के लिए हमारा पता है, निर्मल दरबार, 211 चिरंजीव टावर 43, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 110019। इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 011-407-66400। फोन करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, संडे ऑफ। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं, और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/NirmalBabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow @NirmalBabaji।